हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सफरनामा विद स्मनला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख में जो बॉर्डर पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में, कहानी के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अभी की सरकार हमें नहीं बता रही है, ना कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होने दे रही है कि लद्दाख में इंडो चाइना बॉर्डर पे स्थिति कितना गंभीर है। लेकिन यहाँ के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के छुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंसिलर, छुशुल जो कि बॉर्डर पे पड़ता है, वहां के हमारे साथी विधायक पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि यहाँ वॉर लाइक सिचुएशन है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। आप उनको ट्विटर पे फॉलो करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि बॉर्डर पे ऐसी स्थिति है क्यों? ये छुशुल नाम की जगह का महत्व और इम्पोर्टेंस क्या है? दोस्तों, सिल्क रूट के जमाने में, सिल्क रूट जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट था, उस जमाने में लद्दाख एक क्रॉस रोड जंक्शन, एक चौराहे की तरह था। एक तरफ तिब्बत और चाइना, एक तरफ मिडिल ईस्ट और यूरोप, ऊपर सेंट्रल एशिया और नीचे भारत के बीच में लद्दाख था एकदम सेंटर में। इसीलिए आज भी लद्दाख के लोग अलग अलग बेस भाषा के लोगों के साथ, अलग अलग कम्युनिटी कल्चर के लोगों के साथ, ओपन माइंड के साथ, खुले मिजाज से, टॉलरेंस के साथ घुल मिल जाते हैं। खैर, अपने बारे में तारीफ ज्यादा क्या करनी। तो हिस्टोरिकली और टेरिटोरियली लद्दाख तिब्बत का हिस्सा रहा है बहुत सालों तक। करीब 1500 साल पहले तिब्बत का साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर था और लद्दाख उसका एक हिस्सा था। ये एम्पायर वहां के राजा ग्यापो लंग तर्मा के एसेसिनेशन के बाद, उनकी एसेसिनेशन की कहानी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प और थ्रिलर जैसी कहानी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर उनके मौत के बाद करीब अगले 100 साल तक तिब्बत का ताकतवर और बड़ा जो एम्पायर था, वो धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में बंटने लगा, टूटने लगा। और इनमें से एक किंगडम था मरियुल किंगडम। मरियुल में वेस्टर्न तिब्बत और आज का लद्दाख था। इस मरियुल किंगडम को तो तिब्बत के कुछ राज परिवार के लोगों ने बनाया था, पर साल 1460 में लद्दाख के नमग्याल डायनेस्टी का वक्त आया, जिन्होंने लद्दाख को यूनाइट करके एक इंडिपेंडेंट किंगडम, यानी कि एक स्वतंत्र राज्य बना के अपना शासन चलाया। इनका राज 1460 से लेके 1842 तक करीब 400 साल तक रहा। आज आप जो ले में शानदार ले पैलेस देखते हैं, वो नमग्याल डायनेस्टी के वक्त में ही बनाया गया था। इसके बाद 1679 से 84 तक लद्दाख का तिब्बत के साथ एक युद्ध चला, जिसमें मुगल्स ने लद्दाख का साथ दिया। जी हाँ, मुगल्स तब कश्मीर तक राज करते थे और लद्दाख के पड़ोसी थे। फिर 1819 तक जब मुगल्स कमजोर पड़ चुके थे, तो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर को बढ़ाया और कश्मीर को जीत लिया। उन्होंने अपने जम्मू क्षेत्र के राजा गुलाब सिंह जामवाल को लद्दाख को हासिल करने का काम सौंपा। राजा गुलाब सिंह जामवाल ने अपने आर्मी जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया को 4000 लोगों की टोली के साथ, आर्मी के साथ लद्दाख भेजा। फिर 16 अगस्त 1834 के दिन कारगिल के पास वाले संकु इलाके में लद्दाख के 5000 लोगों की सेना को डोगराज ने हराया और 400 साल तक का चलता हुआ नमग्याल डायनेस्टी का शासन खत्म किया। 1840 तक सिख साम्राज्य के अंदर डोगराज ने लद्दाख और बल्तिस्तान को अपने अंदर हासिल कर लिया था। इस दौरान तिब्बत में चाइना के चिंग डायनेस्टी का शासन चल रहा था। लद्दाख को हासिल करने के बाद जोरावर सिंह ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और वो लालच में पड़ गए। उन्हें लगा कि अगर तिब्बत को भी साथ में हासिल कर लें तो सिल्क रूट और पश्मीना ट्रेड पे उनका कंट्रोल आ जाएगा, इससे सिख साम्राज्य और अमीर हो जाएगा। 1841 में लेह से करीब मानसरोवर तक जोरावर सिंह अपनी टोली लेके पहुंचे। वहां पे चिंग डायनेस्टी को खबर हुई और उन्होंने तिब्बतन आर्मी वहां भेजा और उन दोनों की लड़ाई में जोरावर सिंह वहां हार गए। अब क्या हुआ कि जो तिब्बत से आर्मी आई थी, उनकी लालच बढ़ गई तो वो लेह की तरफ बढ़ने लगे और लद्दाख में आते आते डोगराज की एक और सेना की टोली के साथ उनकी झड़प हुई और वहां पे तिब्बत वाले हार गए। और यहां आता है दोस्तों छुशुल की कहानी। डोगराज और टिबेटन्स के बीच एक संधि हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ छुशुल 1842। इस संधि के हिसाब से सिख एम्पायर के लद्दाख और तिब्बत के, चिंग डायनेस्टी के तिब्बत का बॉर्डर छुशुल बन गया था। ये हिस्ट्री में पहला ऑफिशियल रिकॉर्डेड बाउंड्री बना लद्दाख और चाइना के बीच। इसके बाद आया अंग्रेजों का वक्त।
1845 और 46 की एंग्लो सिख वॉर में सिख्स हार गए। अब ब्रिटिशर्स ने मैप्स और बाउंड्रीज बनाने की कोशिश तो की, पर बहुत ही मुश्किल टेरेन होने की वजह से और लद्दाख कल्चरली, पॉलिटिकली, टेरिटोरियली तिब्बत का हिस्सा बहुत देर तक होने की वजह से और इतने सारे राजाओं और लड़ाइयों की होने की वजह से एक बाउंड्री स्पेसिफिक बना पाना बहुत ही मुश्किल था। अंग्रेजों की पहली कोशिश थी ये बाउंड्री जो 1865 में बनाया गया था, इसे कहा गया जॉनसन लाइन और भारत इसे अभी भी अपना ऑफिशियल बाउंड्री मानता है। आप इंडिया के मैप को देखें तो ये बाउंड्री आपको दिखता है। फिर 1897 में ये बाउंड्री बनाई गई जिसको कहते हैं मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, जिसको 1959 तक चाइना मान लेती थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं माना और कहा कि हम तो यहां तक अपना बाउंड्री मानते हैं। तो जैकी चैन के पूर्वज लद्दाख के लिए बहुत ही बेवफा निकले, तिब्बत तो हमेशा से चाइना का हिस्सा रहा है तो लद्दाख हमारा है, ऐसा चाइना कहता है। अब पहले के राजाओं के जमाने से आज तक यहाँ आर्मी पोस्ट्स बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। ऊंचाई, ठंड और मुश्किल रास्तों की वजह से यहाँ हमेशा के लिए बसे रहना नामुमकिन के बराबर है, तो दोनों तरफ की आर्मी कभी कभी बीच बीच में पेट्रोलिंग करती रहती है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, चाइना ने छुप छुप के यहाँ पे एक रोड बनाया जो 1958 में भारत को पता चला और इसी चक्कर में आजाद भारत और रिपब्लिक ऑफ चाइना का पहला युद्ध हुआ 1962 में। चाइना मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन से बहुत ही आगे आकर यहाँ तक घुस गया था, फिर चाइना को पीछे धकेला गया और युद्ध के बाद यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया। ये देखिए यहाँ पर गलवान है जहाँ पर हाल ही में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। तो दोस्तों अब जब 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो बहुत सारे सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा था कि चाइना रिएक्ट करेगा। एक साल तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पर फिर मई 2020 से चाइना क्या कर रही है वो तो हम सबको पता भी है लेकिन नहीं भी पता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू होने की वजह से आम जनता को ज्यादा नहीं बताया जा रहा। अब एंड में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लद्दाख में बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को नहीं पता कि कितने किलोमीटर जमीन चाइना की तरफ जा चुकी है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो जानवरों को लेके पहले जहां तक चराने लेके जा पाते थे, अब वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है और उससे बहुत पहले रोका जा रहा है। तो दोस्तों ये था संक्षिप्त में लद्दाख और चाइना के बॉर्डर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते ही यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो खुद ही दिखाता है। अपने दोस्तों में तो आप खुद ही शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लद्दाख पे इस तरह के वीडियोस और बनाता रहूं, तो वो जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, वो लाल बटन जो चाइना के झंडे की याद हमें दिलाता है, उस बटन को बेल के जोर से दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सफरनामा के एक और एपिसोड में मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।